अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या पहुंच अयोध्या जोन का चार्ज संभाला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या में ट्रैफिक में सुधार को लेकर चुनौती स्वीकार की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में सुधार को लेकर काम किया जा रहा है। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि श्रावण के पूरे महीने यहां श्रद्धालु आते हैं। आज भीड़ प्रबंधन और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए हमने दर्शन किए हैं। हम भी मुहर्रम इंतजामों के मद्देनजर जा रहे हैं। साथ ही कांवड़ मेले के लिए सीसीटीवी कैमरे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पूरे श्रावण मास में यहाँ पर भक्तजनों का अत्यधिक सैलाब आता है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं और उसमें अधिकांशतः हनुमानगढ़ी भी आते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों का भ्रमण इस बात पे था कि कैसे यहाँ पर क्राउड कंट्रोल के हिसाब से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई है और साथ साथ में जो मुहर्रम की स्थितियाँ हैं उसमें भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सारी व्यवस्थाएं सफल। सर, कल NIC की भी आने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या करें? देखिए, रूटीन एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारी सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसीज मिलकर के लोग कार्रवाई करते रहते हैं। रूटीन मॉक ड्रिल्स और सारी चीज़ें कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल करेंगे सर, ये बताने की आवश्यकता है। सर, मेरे कुछ सुरक्षा को लेकर क्या क्या तैयारी है? देखिए, सभी जगह पर इसको सेक्टर और जोनल स्कीम्स यहाँ पर बनाई गई है और जो भी सुरक्षा प्रबंध है करे गए हैं। साथ साथ में जो टेक्निक का इस्तेमाल भी हम लोगों ने जगह पर किया है, CCTV कैमरों के साथ साथ में ड्रोन कैमरों के भी समुचित उपयोग किया हुआ है। साथ साथ में जो हमारे बहुत संभ्रांत लोग हैं, जो हमारे महंत हैं, प्लस हमारे जो बौद्धिक लोग हैं, सभी से हम लोग संवाद करके सभी व्यवस्था सुनिश्चित। कितनी टीमें लगाई गई सावन मेले में? लगभग सभी जगह।